तो हमारा अगला SIC है SIC 32, वेबसाइट कॉस्ट, जो कि रिलेटेड है इनटैंजिबल एसेट से, IAS 38। अब इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि देखो, कई बार एंटिटीज क्या करती है, अपना खुद का वेबसाइट बनाती है, और ये वेबसाइट बनाने के कई सारे रीजंस रहते हैं। जैसे हम सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं हमारे लोगों को अबाउट आर एंटिटी, या फिर हम उसके थ्रू कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाया है जिससे कि आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल नहीं करने वाले, इट इज जस्ट फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक। जैसे जो भी लिस्टेड एंटिटीज होती है, मोस्ट ऑफ देम, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इनके आपको एनुअल रिटर्न, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह सब देखने के लिए उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब सब बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो बोलता है कि क्या ये खर्चा करके जो हमने वेबसाइट बनाने के लिए किया है, क्या हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये अपने वेबसाइट्स बनाते हैं, इनके वेबसाइट्स के थ्रू ये बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, वेबसाइट को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे में वेबसाइट बनाना और वेबसाइट को मेंटेन करने का जो खर्चा है, क्या हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? फिर उसके बाद में, देर आर वेरियस वेबसाइट्स जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स करते हैं और कुछ नहीं, जैसे कि ट्रिवागो वगैरह है। ये अलग 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 वेबसाइट्स के ऊपर मिलने वाले प्रोडक्ट्स को एक जगह आपको कंसोलिडेट करके दिखाते हैं, बराबर है? तो कैन दे कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ देयर वेबसाइट? एंड लास्टली, अमेजोन अपनी खुद की वेबसाइट पे, या कोई भी, हम लोग नॉर्मली किसी भी फ्लिपकार्ट वगैरह की वेबसाइट पे देखें तो इनिशियल पेजेस पे आपको कई सारे एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कंटेंट डेवलप किया जाता है जहां पे वो लोग अपने खुद के प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, अपने खुद के प्रोडक्ट्स। तो क्या ये वाला खर्चा भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? तो SIC 32 ने इनके ऊपर कई सारी बातें की। पॉइंट नंबर वन, इफ वेबसाइट इज नॉट फॉर सेलिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस। बोलता है यार, आपने वेबसाइट बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है, यानी कि अपन रिलायंस की बात करें, अपन टाटा की बात करें, इन्होंने अपनी वेबसाइट बना के रखी है आपके बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट द एंटिटी। तो बोलते हैं यार, इससे तुम्हें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है सच नहीं है, इसीलिए हम लोग इस खर्चे को इमीडिएटली एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट अगर पूछे तो आप नहीं बता सकते, इसीलिए इस खर्चे को हम एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। तो बोलता है कि ऐसे खर्चे आप एक्सपेंस ऑफ कर दीजिए। इफ वेबसाइट इज फॉर सेलिंग एंटिटीज प्रोडक्ट और सर्विस, एंटिटी अपने खुद के प्रोडक्ट्स या खुद की सर्विस सेल करने के लिए वेबसाइट बना रही है, समझ रहे हैं? अब जैसे हल्दीराम है, तो हल्दीराम की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हल्दीराम के खुद के प्रोडक्ट्स आप वहां से खरीद सकते हैं, जो भी आपको खरीदना है। ये वेबसाइट बनाने को कई सारे स्टेजेस लगे। सबसे पहला स्टेज था प्लानिंग, जिसके अंदर हमने कई सारे वेबसाइट डेवलपर्स को बुलाया और उनसे हमने कंसल्टेशन लिया कि आखिर आप हमें वेबसाइट बनाना है, आप मुझे कैसी वेबसाइट बना के दे सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, वो लोग कंसल्टेशन के चार्जेस लेते हैं। मैं कोई न्यू कमर वेबसाइट डिजाइनर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपर्ट वेबसाइट डिजाइनर्स। तो आपसे चार्जेस लेते हैं, वो आपको एक आउटले बताते हैं कि कुछ इस प्रकार की वेबसाइट दिखेगी, आपको पसंद आया तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं पसंद आया छोड़ दीजिएगा। तो दैट इज द प्लानिंग स्टेज का एक्सपेंस। उसके बाद में आपका खर्चा आता है कंटेंट डेवलपमेंट का। कंटेंट डेवलपमेंट में एक पार्ट होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर परचेस, दूसरा पार्ट होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, और तीसरा पार्ट होता है एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले। ठीक है, एक बार ये पूरा का पूरा आपका आ गया, उसके बाद में वेबसाइट के मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा लगता है। तो उन्होंने इसको तीन पार्ट में बांट दिया। उन्होंने पहला वाला पार्ट बोला कि जो आपका प्लानिंग वगैरह का आपका जो खर्चा लग रहा है, इनिशियली आपने लोगों को बुलाया, अभी आपकी तरफ कोई फाइनलाइज नहीं है, आपका मैपिंग नहीं किया हुआ है कि आपका वेबसाइट किस तरीके से दिखना चाहिए, आप बस अलग अलग एस्पेक्ट्स ट्राई कर रहे हैं एज टू हाउ योर वेबसाइट शुड लुक लाइक।
ये वालों खर्चों से अभी प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, यानी अश्योर्ड नहीं है कि आगे इससे आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। अभी तो आपने बस सोच के रखा है वेबसाइट बनाना है, दिखेगी कैसी, क्या होगा, कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसे खर्चों को आप एक्सपेंस ऑफ कर दीजिए, ट्रीट देम एज रिसर्च एक्सपेंस सिमिलर एज डिस्कस्ड अंडर IAS 38। वंस फाइनलाइज्ड, फिर कंटेंट डेवलपमेंट पे आते हैं। तो कंटेंट डेवलपमेंट के लिए आप कई सारे हार्डवेयर खरीदेंगे, हार्डवेयर का खर्चा IAS 16 के हिसाब से वैसे भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चल जाएगा, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सॉफ्टवेयर जो आप खरीदोगे वो तो IAS 38 के हिसाब से वैसे भी कैपिटलाइज होने ही वाले हैं। बाई चांस IAS 38 में फॉर सम रीजन नहीं कवर होंगे तो ये SIC उसको कवर कर लेगा, यू डोंट नीड टू वरी, यू कैन कैपिटलाइज द सेम। फिर उसके बाद में हम किसी से क्लाउड स्टोरेज लेंगे जहां पे हमारा सारा का सारा स्टोरेज डिवाइस वगैरह रहेगा। प्रोडक्ट के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, अलग अलग एप्लीकेशन हम लोगों को लगेंगे, काफी सारी चीजें लगती है, काफी टेक्निकल एस्पेक्ट्स रहते हैं। तो ये वाला भी खर्चा पूरा का पूरा हम कैपिटलाइज कर सकते हैं एज पर दिस SIC। समझ में आ रहा है, इस SIC के हिसाब से हम इस खर्चे को कैपिटलाइज कर देंगे। पर अगर कोई डिस्प्ले सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए है, जैसे कि किसी कंपनी का वेबसाइट हमने खोला, हल्दीराम का वेबसाइट खोला, हल्दीराम के सबसे पहले पेज के ऊपर नाउ ऑल्सो सेलिंग सन ऑरेंज बर्फी, तो ये उन्होंने अपने डिस्प्ले पे रखा है जो उनको दिखाने की हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो उसके ऊपर क्लिक किए तो जाके वो प्रोडक्ट के पेज पे आया। तो दिस इज एडवर्टीजमेंट पार्ट। ये एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट कैपिटलाइज करना नहीं होगा क्योंकि ये आपका बेसिकली एडवर्टीजमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। IAS 38 या कोई भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कैपिटलाइज करने नहीं देता, तो उसके डेवलपमेंट का भी खर्चा आपको कैपिटलाइज नहीं करने मिलेगा, आप इसे एक्सपेंस ऑफ कर दोगे। अनलेस ये एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले दूसरों के लिए है जहां से आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसके बाद में इसके मेंटेनेंस का खर्चा तो आपका रूटीन एक्टिविटी है, इसीलिए उसे एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, उसे आप कैपिटलाइज नहीं करने वाले। नाउ थिंक ऑफ अ कंपनी लाइक Amazon। Amazon प्लान कर रहा है कि उसे एक वेबसाइट बनाना है जिसके ऊपर बहुत सारे डीलर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। अब वो प्लानिंग कर रहा है कि वेबसाइट कैसी दिखेगी, कई सारे वेबसाइट डेवलपर्स को बुलाया, पैसा दिया, अभी वो रिसर्च कर रहा है, तो एक्सपेंस ऑफ हो जाना चाहिए। उसके बाद में जब वो कंटेंट डेवलपमेंट पे आया तो उसने कुछ हार्डवेयर खरीदे IAS 16, कुछ सॉफ्टवेयर खरीदे IAS 38। अब वो कंटेंट को डेवलप कर रहा है कि लोग अपने कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का कॉस्ट किस तरह से डिफाइन होगा, कस्टमर का ऑर्डर आया तो उनको ईमेल किस तरीके से जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाले को ईमेल किस तरीके से जाएगा, अगर बाय चांस कस्टमर हमारे ही वेयरहाउस में वो प्रोडक्ट रख रहा है तो वेयरहाउसिंग वाले के पास में वो डिटेल कैसे जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होगा कि जैसे ही प्रोडक्ट का सेल हो गया तो इन्वेंट्री कम होगी, ये सारी की सारी चीजें कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें हो रही है आपके कंटेंट डिजाइनिंग में। और फिर आता है एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले। ये दो प्रकार के रहेंगे। अब एक, कोई भी डीलर हमें आके बोल सकता है कि आपके एडवर्टीजमेंट पेज पे हमारा प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए। अमेजोन का जब भी आप पेज खोलोगे फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ 6-7 एड्स रहती है, और दूसरा जिसमें Amazon अपने कमीशन के बेसिस पे एडवर्टीजमेंट्स देता है प्रोडक्ट्स की, जो उसे लगता है कि उसे अच्छा खासा सेल करना है। जैसे कि MI अपना प्रोडक्ट, MI तो नहीं, OnePlus अपना प्रोडक्ट Amazon के थ्रू ही सेल करता है, तो Amazon ही उसकी एडवर्टीजमेंट करता है, तो Amazon सेल्फ बेसिस पे ऐड कर रहा है क्योंकि वो अब उसका खुद का प्रोडक्ट है जिसे वो सेल कर रहा है, उसका कमीशन उस पर डिपेंडेंट है। ऐसे में ये एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले से प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट रिसीट्स है। आपके लिए एडवर्टीजमेंट एक सर्विस है जो आप लोगों को दे रहे हो, तो ऐसे में ये खर्चा भी कैपिटलाइज होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। और एंड में हम लोग मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो मेंटेनेंस तो अल्टीमेटली एक्सपेंस ऑफ ही होने वाला है। सो दिस इज हाउ द अकाउंटिंग इज डन रिलेटेड टू द वेबसाइट कॉस्ट। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। इसके साथ ये वाला वीडियो हम एंड करते हैं।